नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल रही है भारत से। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस के कारण आज सभी स्कूल बंद होने के कारण आखिरकार भारत के जो एक स्कूल की इंडस्ट्री है उसको आखिरकार कितना नुकसान हो गया है। और ये आंकड़े आज सामने आए हैं साउथ ईस्ट एशिया के, और इसी के साथ ही जो भारत है उसके आंकड़े सामने आए हैं। और इन आंकड़ों में साफ बताया गया है कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है भारत के उन दुकानदारों को जो एक आज स्कूल पर डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो कपड़े वाले हों या फिर कॉपी किताबों वाले हों या फिर खुद स्कूल चलाने वाले प्रिंसिपल हों, स्टाफ हो या फिर स्कूल में काम करने वाला स्टाफ हो। उनसे आज आंकड़े आ गए हैं कि आखिरकार भारत को कितना नुकसान हो चुका है, और इसी के साथ ही जो ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया, वहां पर कितना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों करेंगे इसके बारे में डिटेल से चर्चा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जेडएक्स न्यूज को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें। इसी के साथ ही दोस्तों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना वायरस के 71 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं, और इसी कड़ी में 6 से 7 महीने का समय बीत चुका है लेकिन फिर भी स्कूल खुले नहीं हैं। हालांकि हरियाणा पंजाब में जरूर स्कूल खोले गए हैं बड़ी कक्षाओं के, लेकिन इसी के साथ छोटी कक्षाएं अभी भी बंद की गई हैं क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी फैला हुआ है। और इसी की कड़ी में जो एक नुकसान के आंकड़े आ जा गए हैं, वर्ल्ड बैंक ने ये आंकड़े दिए हैं, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि आंकड़ों की ये जो एक विश्वसनीयता है कितनी ज़्यादा होगी। और इसी के चलते वर्ल्ड बैंक ने आज कहा है कि आज भारत को अपने स्कूलों को बंद करने से कितना नुकसान हुआ है, तो $400 बिलियन का नुकसान भारत को हो चुका है अपने स्कूलों को बंद करने से। और इसी की कड़ी में साउथ एशिया के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो उसमें $622 बिलियन का जो नुकसान है वो साउथ एशिया में देखा गया है, और ये नुकसान $880 बिलियन तक भी जाने वाला है। दोस्तों ये सभी बातें दर्शा रही हैं कि भारत की इकोनॉमी में जो एक शिक्षा से पैसा आता था, प्राइवेट सेक्टर की जो शिक्षा है वहां से जो पैसा आता था, उसमें भारी गिरावट देखी गई है। अब ये गिरावट देखी गई है तो इसका नुकसान कहां पर होगा? दोस्तों भारत की ग्रोथ रुक गई है, इसी के साथ ही भारत का जो एक खर्चा करने का और इसी के साथ अपने हथियारों को बनाने के लिए और इसी के साथ अपने देश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका नुकसान हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले ही एजुकेशन के इंडस्ट्री से इतना बड़ा नुकसान हो गया है, हालांकि अलग अलग सेक्टरों में जो नुकसान है वो अलग अलग है, लेकिन इसी की कड़ी में एक सेक्टर ऐसा भी है किसानों का जहां पर ये मुनाफे में है, लेकिन इसी के चलते जो एक नुकसान है, ओवरऑल नुकसान भारत देश को है कोविड के क्राइसिस के। और इसी के चलते कोविड के क्राइसिस का फायदा उठाना चाहते हैं चाइना और पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान अपने अग्रेशन को बॉर्डर पर दिखा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज भारत की स्थिति कुछ हद तक सही नहीं है, और इस स्थिति के सही ना होने के कारण आज वो अपने सभी काम कर सकते हैं जो भारत के दबाव के चलते वो नहीं करते थे। और इसी के चलते चाइना लद्दाख में एग्रेशन दिखा रहा है, और इसी के चलते पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपना एग्रेशन दिखा रहा है वहां पर चुनाव करवाकर। और दोस्तों ये दोनों बातें दिखा रही हैं कि आज चाइना और पाकिस्तान मिलकर टू फ्रंट वॉर भारत के खिलाफ छेड़ चुके हैं। और इसी की कड़ी में जो भारत का समर्थन देने वाले देश हैं वो भी अब आगे आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी भी अब मिले हैं, और ये मीटिंग जो हुई है ये मीटिंग इसी ओर इशारा कर रही है कि भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ बहुत सीरियस रूप से एक्शन लेने के लिए अब तैयार हैं। वहीं दोस्तों ये थी इस वीडियो की बहुत ही बढ़िया डिटेल। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताएं।